हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। दोस्तों, एफटीआर सीरीज में अब हम कवर करने वाले हैं पर्यावरण के अंतर्गत एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक को, और आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन। सो लेट वी स्टार्ट टुडे सेशन ऑफ एफटीआर। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आर वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, स्टॉकहोम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सरल प्रश्न है। 5 जून 1972 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए प्रथम प्रयास किया गया था, जिसे हम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहते हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और ये हुआ था 1972 में, कहां पे? स्टॉकहोम में हुआ था। और तभी से ही 5 जून से हम क्या करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर मनाते हैं। और जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, ये 1974 बताया था, प्लीज उसे करेक्ट करें, 1973 में फर्स्ट टाइम हमने ये सेलिब्रेट किया था, 5 जून 1973 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और एवरी ईयर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे सुमेलित है। बेसल कन्वेंशन मरुस्थलीकरण से संबंधित है क्या? मिनीमाटा सम्मेलन आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन से, वियना सम्मेलन जैव विविधता से, और बॉन सम्मेलन क्या है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से। तो इसमें से आपको सही मैच करना है। देखो बेसल कन्वेंशन जो हुआ था, बेसिकली जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं, खतरनाक अपशिष्ट को रोक लगाने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था वर्ष 1989 में। ठीक है, तो ये जो है पहला तो गलत हो गया। दूसरा, मिनीमाटा सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से है क्या? नहीं, ये क्या है, 2013 में हुआ था, और पारा या मरकरी या एचजी से कहते हैं हाइड्राजीरम। तो इसका जो पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव है, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए या सीमित मात्रा में प्रयोग करने के लिए यह सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मिनीमाटा सम्मेलन। ठीक है, तो दूसरा भी मैच नहीं है। तीसरा देखिए, वियना सम्मेलन जैव विविधता से है क्या? नहीं, वियना सम्मेलन वर्ष 1985 में हुआ था, और ये वियना सम्मेलन बेसिकली कहा, वियना कहा है, ऑस्ट्रिया में है, जहां पे हमने ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए, ओजोन लेवल का जो क्षरण हो रहा है उसे रोकने के लिए, मतलब संरक्षण के लिए, तो ओजोन परत संरक्षण के लिए हमने प्रथम प्रयास किया था। मतलब ये क्या है, ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, यानी वहां पे वो फ्रेमवर्क करना, वहां से हमें फ्रेमिंग करना स्टार्ट किया, और वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1985 में पहली बार हुआ था, और उसके बाद में हम सीक्वेंस फॉलो करते गए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और फाइनली किगाली समझौता वगैरह हुआ। लेकिन स्टार्टिंग जो ओजोन परत पर जो प्रथम प्रयास किया गया था, वो वियना सम्मेलन में हुआ था वर्ष 1985 में। इसके बाद देखिए डी ऑप्शन क्या है, बॉन सम्मेलन है। बॉन सम्मेलन क्या है, किससे संबंधित है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल सही है, वर्ष 1983 में हुआ था, और 1983 में हुआ था, ये बेसिकली क्या है, जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, तो माइग्रेटरी स्पीसीज जहां पे भी रहते हैं उनको संरक्षण देना है, और जहां उनका जो निवास है, प्राकृतिक आवास है, उसको भी संरक्षण हमको प्रदान करना है। जैसे एग्जाम्पल चिल्का लेक, भरतपुर लेक, यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे ऐसे देशों से, खासकर आप देखते हैं साइबेरियन कंट्री से या उस क्षेत्रों से, जो ठंडे प्रदेशों से माइग्रेट करके समर सीजन में यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनको संरक्षण प्रदान भी हम करते हैं, तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित सम्मेलन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन, किगाली, मॉन्ट्रियल। तो यहां पे देखिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, मतलब जीएचजी, ग्रीन हाउस गैस, इससे संबंधित क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योंकि यही जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, मतलब वो ग्रीन हाउस से संबंधित होगा। वियना क्या है, वियना फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन है, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए है। किगाली समझौता क्या है, ये भी ओजोन लेयर का जो है लेटेस्ट में ये प्रयास था, 2018 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये भी आप देखते हैं ओजोन लेयर संरक्षण से संबंधित है। सो इसमें क्या है, कौन सा संबंधित है, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कार्टाजीना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजीना का प्रोटोकॉल का संबंध प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव सुरक्षा समझौता, ओजोन क्षरण से।
तो यहां पे याद करिए, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वर्ष 1992 में, तो वहां पे क्या है, जो सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का जो कंसेप्ट आया था, इससे निकलने वाले तीन और सम्मेलन आए हैं, जिसमें कि आप क्या देखते हैं, पहला क्या है, आप देखते हैं नागोया प्रोटोकॉल, दूसरा क्या देखते हैं, काटाजीना प्रोटोकॉल, और तीसरा आप देखते हैं आईची लक्ष्य। तो ये तीनों चीजें जो है किससे संबंधित है, कहां से इसका जो है उद्गम हुआ है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, और कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी जो है वो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो रियो डी जेनेरो में हुआ था, वहां पे जो है इससे सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी। तो 6 महत्वपूर्ण दस्तावेज रिलीज किए गए थे, तो वो दस्तावेज में एक दस्तावेज क्या था, सीबीडी था, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। और इसके बाद इसका जो उद्गम है, यहां से क्या है, इसके ब्रांचेस इस प्रकार निकलना चालू हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आप किसका संबंध है, ये है बायो सेफ्टी जैव सुरक्षा समझौता से इसका रिलेशन है, किसका, आप देखते हैं यहां पे काटाजीना प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन COP26 आयोजित होगा, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए कहां कहां पे, न्यूयॉर्क, मनीला, मैड्रिड या ग्लासगो। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये एक्चुअल में क्या है, 2020 का जो साल था, जो एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है, वर्ष 2020 में ड्यू टू कोविड प्रॉब्लम, कोरोना वायरस के कारण, ये क्या है, स्थगित कर दिया गया और फाइनली पोस्टपोन कर दिया गया भविष्य के लिए। तो अब जो है ये जो COP26 जो होगा, जो वर्ष 2020 में जिसका आयोजन होना था, ये अब क्या है, वर्ष 2021 में कहां पे होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ये नोट करिए, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी, ग्लासगो। तो यूएनएफसीसी का प्रतिवर्ष जो सम्मेलन होता है वो किस नाम से जाना जाता है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन को प्लीज करेक्ट करिए, सुमेलित नहीं है, करिए, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहां पे अकॉर्डिंगली इसके ऑप्शंस देखिए, तो देखो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, तो ये जलवायु सम्मेलन है, क्लाइमेट है, तो ये सबसे पहले हुआ था जेनेवा में, स्टॉकहोम समिट के बाद, जो है स्टॉकहोम समिट जो 1972 में हुआ था, उसके बाद देखते हैं जलवायु सम्मेलन का जो प्रथम प्रयास किया गया था 1979 में किया गया था, ठीक है। तो पहला सही मैच है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, एजेंडा 21, तो प्रथम जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन वो किस नाम से हम जानते हैं, रियो समिट के नाम से जानते हैं, रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो उससे ही क्या है, उद्गम हुआ था, किसका, एजेंडा 21 का उद्गम हुआ था, ठीक है। तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 हम यदि कहें तो 1997 में क्या हुआ था, हम देखते हैं यहां पे हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित होगा, UNFCCC से संबंधित होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे एक बात आप समझिए कि जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, ठीक है, बट हम यहां पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे इस बात को देखिए, 1997 में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और वो यूएनएफसीसी जो कि वास्तव में क्या है, पृथ्वी सम्मेलन का एक डॉक्यूमेंट ही है। मैंने कहा ना 6 महत्वपूर्ण दस्तावेज का जैसे मैंने उल्लेख किया, वो उल्लेख क्या है देखते, एक कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी सीबीडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें कि किगाली, नागोया और आईची लक्ष्य निकले थे, वैसे ही यहां पे क्या है, यूएनएफसीसी भी है, ठीक है, एक ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके अलावा UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस, ये भी एक दस्तावेज था।
तो सीबीडी हो गया, यूएन FCCC हो गया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा एजेंडा 21 हो गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल हो गया, वन सिद्धांत हो गया, ये सभी क्या है आपके उसके दस्तावेज है पृथ्वी सम्मेलन के। तो इसीलिए यहाँ पे हम +5 करके इसे आप लिख सकते हैं। ये ऑल्दो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दूसरे स्टेट्स में, इसलिए मैं इसको लिया हूं। सो यहाँ पे इसका संबंध किससे है, UNFCCC से है, क्योटो प्रोटोकॉल से है, है ना। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल को पृथ्वी सम्मेलन नहीं कहा जाता, याद रखिएगा, उसका संबंध इसमें दिया है, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भाई ये तो है ओजोन लेयर संबंध से संबंधित है, और ये कब हुआ था, वियना सम्मेलन के ठीक 2 वर्ष बाद। वियना कब हुआ था, मैंने अभी जस्ट पहले बताया 1985, और उसके जस्ट बाद क्या है, 2 साल बाद 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो ओजोन लेयर संरक्षण से संबंधित है। आई होप ये पॉइंट्स आप समझ गए। अब उसके बाद देखिए अगला, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अक्सर हमको कंफ्यूजन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, नागोया प्रोटोकॉल, ये समथिंग होता है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर आप रखें, आप समझ जाओ इसको, ट्विंस मान लो, किसको किसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को और आप क्योटो प्रोटोकॉल को, ट्विंस मतलब जुड़वा, और वो कौन से जुड़वा, आइडेंटिकल कि नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल मतलब समान रूप से नहीं है, ये मानिए, क्योंकि आप देखते हैं ये 1987 में हुआ था, इसके ठीक 10 वर्ष बाद क्या है आप देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमको सिमिलर टाइप के यहाँ पे एक्चुअल में उसका मीनिंग समझ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से है, तो यहाँ ओजोन ये हो गया, जलवायु परिवर्तन से होगा, बिल्कुल ये सही आंसर है, और जलवायु परिवर्तन को हम क्या और लिख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी लिख सकते हैं हम, तो भी होगा, तो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल होगा, है ना। वायु प्रदूषण है, जैव सुरक्षा है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, ये पॉल्यूशन को लेके बात हो रहा है, जबकि ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं। तो अक्सर जुड़वा कहने का मतलब, ट्विंस कहने का मतलब एक ही जगह याद रखें उसे, ताकि आपके लिए काम आसान होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है। यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है, ऑप्शंस क्या है, विषैले पदार्थों पर प्रतिबंध से संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण, आनुवांशिक स्रोतों के गलत प्रयोग को, और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को। तो जैसे कि हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन से संबंधित क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, या जलवायु परिवर्तन भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार विषैले पदार्थों पर प्रतिबंध संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है, जेनेवा संधि भी कहते हैं इसे, है ना, जेनेवा सम्मेलन भी कहते हैं, जो 1925 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये इसका है। और यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण और आनुवांशिक स्रोतों के गलत प्रयोग को रोकना है, चूंकि नागोया प्रोटोकॉल का उद्गम किससे हुआ था, CBD कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी से हुआ था, जिसमें कि हमने देखा नागोया, काटाजीना और आईची लक्ष्य। तो यहाँ पे इसका संबंध जैव विविधता से हो गया, तो उसका संबंध क्या है, आनुवांशिक स्रोतों के गलत प्रयोगों को रोकने से संबंधित होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आईची लक्ष्य क्या है, आईची लक्ष्य क्या है, आईची लक्ष्य देखिए ऑप्शन क्या है, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन लक्ष्य, प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्य, और जैव विविधता लक्ष्य। तो यहां पे देखिए इसका संबंध है जैव विविधता लक्ष्य का है, जैव विविधता लक्ष्य के लिए 20 ऐसे लक्ष्यों को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लक्ष्यों को भारत ने हासिल भी कर लिया है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य की बात जब भी बात होती है तो आप देखते हैं एजेंडा 21 की बात कर देते हैं, जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को लेके जनरली हम बात करते हैं UNFCCC में, प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्य ऐसे एस सच इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है वो इसी से संबंधित हो जाता है, जलवायु से ही संबंधित हो जाता है, तो जैव विविधता लक्ष्य है, इसका सही आंसर डी है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुमेलित हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, डर्बन जलवायु सम्मेलन, स्वच्छ विकास क्रियाविधि, इसको क्लीन डेवलपमेंट मिशन भी कहते हैं, CDM, है ना, क्लीन डेवलपमेंट मिशन भी कहते, मैकेनिज्म भी कहते हैं, जो क्या है आपका CDM भी कहते हैं, जैसे इसमें GCF शॉर्ट फॉर्म है, कार्बन क्रेडिट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुई थी, अगर आपको पूछा जाए
तो बार बार नए नए सिटीज का नाम आ रहा है और जलवायु सम्मेलन आ रहा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये UNFCCC का जो प्रतिवर्ष होने वाला सम्मेलन ही है, जो अलग अलग प्रदेश अलग अलग देशों में होता है, जैसे डरबन में हुआ था वैसे ही कानकुन सम्मेलन हुआ था वर्ष 2010 में, और इसी सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना हुई थी। तो ये इसका तो फर्स्ट जो है मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा है। तो एक वाले कौन कौन से हटा दो, एक वाले ये दोनों हैं तो इसको तो हटा ही दीजिए आप, ठीक है। अब क्या है स्वच्छ विकास क्रियाविधि, तो ये क्या है क्लीन डेवलपमेंट मिशन मैकेनिज्म जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मैंने बताया था जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसलिए क्या है दो सही मैच है। तो टू वाले कौन कौन से हैं देखो, ये और ये दोनों हैं, लेकिन थर्ड को चेक कर लो। कार्बन क्रेडिट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या, नहीं। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपको देख ही रहे हैं, ओजोन लेयर कंजर्वेशन से संबंधित है, तो इसलिए क्या है थ्री ही गलत हो गया। तो क्या है ऑप्शन टू सी इसका राइट आंसर है। आई होप ये पॉइंट समझ गए आप। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। 11वां क्वेश्चन देखिए, रामसर सम्मेलन का संबंध किसके संरक्षण से है, वन भूमि, मरुस्थली भूमि, वायु प्रदूषण, नम भूमि। तो देखिए रामसर सम्मेलन जो है बहुत प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था वर्ष 1971 में कहां पे हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था, और ये क्या है मुख्यतः वेटलैंड या नम भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। 1971 में ये सम्मेलन हुआ था जो प्रभाव में 1975 से आया। तो यहां पे देखते हैं नम भूमि इसका राइट आंसर है, वेटलैंड है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है, नैरोबी, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। देखो ये जो नैरोबी है, नैरोबी क्या है देखो 1972 का जब जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, इसके बाद जो है हमने एक ऐसा स्थान चिन्हित किया जहां पे इसका मुख्यालय होगा। तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है ना, आप याद कर पा रहे कि नहीं, मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम, इसके बाद क्या है UNEP जो है नैरोबी भी हमने वो स्थान चिन्हित किया जहां पे इसका मुख्यालय हमको रखना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, नैरोबी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सुमेलित है, ठीक है। इसमें देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईयर तो बिल्कुल मैच है, पृथ्वी सम्मेलन 2 ईयर क्या है 92 के ठीक 10 वर्ष बाद क्या है 2002, तो ये भी सही मैच्ड है, और पृथ्वी सम्मेलन 3 2012 देखते हैं ये भी मैच्ड है। तो ईयर तो मैच्ड है लेकिन लोकेशन देखिए जहां पे आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1 कहां आयोजित हुआ था, हम सभी को पता है रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, तो ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके ठीक 10 वर्ष बाद है ना क्या हुआ 2002 में हम देखते क्या है, ये जो सम्मेलन पृथ्वी 2 हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है, जोहान्सबर्ग में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन 3 स्टॉकहोम ना होके फिर से क्या है रियो डी जेनेरो में पुनः हुआ था। तो ये देखते ही ये इसका सही मैच है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है ना, ए 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, तो कोई भी मैच नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर है, क्लियर हो गया। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, सुमेलित है, फिर से सुमेलित करना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 CMS मतलब कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रजाति प्रवासी प्रजातियों के लिए क्या है ये सम्मेलन है, गांधीनगर गुजरात 2020, ठीक है, फरवरी मंथ में हुआ था, ये सही है मैच्ड। इसके बाद देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 CBD का मतलब कन्वेंशन फॉर बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए सम्मेलन, तो कुनमिंग चीन 2021, ये बिल्कुल सही है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये पोस्टपोन्ड हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड है ना, ये भी क्या है कोरोना वायरस के कारण ये जो है पोस्टपोन्ड हुआ है कुनमिंग चीन में 2021 में। और इसके बाद देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 UNCCD का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट अ डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, TBA का मतलब टू बी अनाउंस लेटर 2021 में। तो जो 2021 वाले जो सम्मेलन जो दो एक रहे ये रीशेड्यूल हुआ है, और दोनों ही सही मैच्ड है, तो 1 भी मैच्ड है, 2, 3 भी मैच्ड है। इसके बाद चौथा को चेक कर लीजिए, COP25 UNFCCC कर लीजिए इसे, तो ये क्या है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जो प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है उसी को कहते हैं। तो ये कहां हुआ है, 2019 में मैड्रिड स्पेन। तो यहां पे क्या है, चिली मैड्रिड भी आपको दिखे मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो चिली मैड्रिड का जो है ये क्या कंसेप्ट है, पहले क्या है, चिली में ये यूएनएफसीसी का सम्मेलन होना था, बट सम्मेलन के कुछ दिन पहले ही चिली गवर्नमेंट के द्वारा इसको आयोजन करने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर की है। इसके बाद देखते हैं ये मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड शहर में ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसे हम चिली मैड्रिड सम्मेलन कहते हैं, 2019 में हुआ था। तो सभी मैच्ड है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सही जोड़े बनाइए। तो यहां पे देखिए जेनेवा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जेनेवा प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, देखिए जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है, रासायनिक जहरीली गैसों की उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए है ना, गैसों हथियारों सभी पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या है ये जेनेवा प्रोटोकॉल, वर्ष 1925 में हुआ था, मैं बताया हूं प्रीवियस क्वेश्चंस में। बेसल कन्वेंशन जो है वो खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है, तो यहाँ पे इसका संबंध इससे। वियना कन्वेंशन जो है वो क्या है आपका, देखते हैं ओजोन लेयर संरक्षण से संबंधित है, तो ये इसका ये है। मिनीमाटा का क्या है, मिनीमाटा सम्मेलन क्या है, पारा से है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखो, यहाँ थोड़ा अलाइनमेंट चेंज हो गया, प्लीज इसे करेक्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा है ना, ये जो है बी हो जाएगा है ना, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी, ये कंफ्यूज मत होना, इसको मैं काट देता हूं, ठीक है। तो ए बी सी डी में देखिए क्या क्या है, हमने देखा पहला जेनेवा का क्या है, सी आंसर ए का थ्री होना चाहिए, ए का थ्री कौन कौन सा है, ये है, ये दोनों है यहाँ पे, तो ये दोनों को तो काट ही दो पहले, ए सी और डी में ए थ्री है। उसके बाद देखिए बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन क्या है, खतरनाक अपशिष्ट, तो आप देख रहे क्या है यहाँ पे, सेकेंड का जो आप देख रहे हैं क्या पे है, यहाँ पे बेसल कन्वेंशन का है ना क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देखो बी वन का, बी का जो है क्या कर दो, ये बी का वन, बी का वन दोनों में है ना, एक्चुअल में ये क्या है ए बी और सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे और सी डी होना चाहिए, इस प्रकार है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो मिनीमाटा सॉरी वियना कन्वेंशन जो है क्या है, तीन का क्या है यहाँ पे होना चाहिए, तीन का चार होना चाहिए, मतलब सी का फोर होना, सी का फोर होना चाहिए। तो सी का फोर कौन कौन सा है, ये है ना, और ये भी है, लेकिन ये तो एलिमिनेट ही हो गए हैं। तो क्या है इसका सही आंसर, सी इसका सही आंसर है, तीन एक चार दो, ठीक है, और चार का भी मिनीमाटा का दो है, तीन एक चार दो, तो इसका आंसर क्या है, सी है, ठीक है। अलाइनमेंट थोड़ा चेंज हो गया, प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, ये रिपीट हो गया, प्लीज करेक्ट कर लें, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ये क्या है, इसकी रेप्लिका है। 1972 जो मानव पर्यावरण सम्मेलन है, UNHE नाम से भी कई बार आपको ये आएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, कहां आयोजित हुआ था, ये स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था, ठीक है। एजेंडा 21 की उत्पत्ति किस सम्मेलन से हुई थी, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रियो सम्मेलन, रियो प्लस 10 सम्मेलन, रियो प्लस 5 सम्मेलन, रियो प्लस 20 सम्मेलन, अभी हमने देखा रियो सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरो में ब्राजील के, ठीक है, 1992 में, अभी हमने जस्ट पढ़ा। रियो प्लस 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में, और जोहान्सबर्ग में जो हुआ था वो वर्ष 2002 हो जाएगा, 10 साल बाद। और रियो प्लस 5 की बात करते हैं तो 1997 हो जाएगा, यानी 92 से 5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 97 ही होगा ना, लेकिन 97 वास्तव में क्या हुआ था, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है ना। और रियो प्लस 20 सम्मेलन जो है आप क्या देखते हैं, 1992 में आप 20 साल जोड़ दो तो क्या बनेगा, 2012, तो रियो प्लस 20, तो इस प्रकार ये क्या है, ये फिर से रियो में हुआ था। तो यहां पे प्रश्न क्या पूछा है, एजेंडा 21 की उत्पत्ति किस सम्मेलन से हुई थी, यहीं पे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज रिलीज किए गए थे तो उसमें एक दस्तावेज था एजेंडा 21, ठीक है, जो सतत विकास से संबंधित है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसका संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, बहुत सरल, मैं भी प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया था क्या क्या है। देखो आप इसको आप प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करो। नागोया प्रोटोकॉल क्या है, किससे संबंधित है, सीबीडी, और सीबीडी मतलब बायोडायवर्सिटी,
तो बायोडायवर्सिटी के जो ब्रांचेस आए थे वहां से क्या है, नागोया, काटाजीना और आईची लक्ष्य था, तो ये तो गलत हो गया है ना। काटाजीना दूसरा क्या है, काटाजीना ही था नागोया, ये नागोया, दूसरा क्या है काटाजीना है ना, और तीसरा क्या है आईची लक्ष्य, ठीक है। आईची जो है जापान का एक प्रांत है कहना चाहिए, आईची एक शहर जो है, इसलिए आईची लक्ष्य कहा जाता है, जो जैव विविधता लक्ष्यों की ओर से संबंधित था। तो यहाँ पे वन और टू तो गलत ही हो गया, वन टू वाले ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, किसका संबंध है बोल रहा है, ठीक है। तो अभी ये नहीं वाले देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है क्या, बिल्कुल है। तो तीन एक मिल गया आपको, ठीक है, जो किस वर्ष हुआ था, वर्ष 1987 में हुआ था, वियना सम्मेलन 1985 के ठीक दो साल बाद, ठीक है। तो ये पहला तीन ऑप्शन वाले कौन कौन से हैं, तीन ऑप्शन वाले सभी में हैं, देखो यहाँ पे सभी में है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ग्रीन हाउस गैस या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो चार वाले हैं क्या, देखो अच्छा ये चार वाले तो गलत हो जाएगा। तो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंध क्या है, किससे है, ग्रीन हाउस गैस के संबंध से है। तो चार वाले जो है उसे एलिमिनेट कर लो, ये एलिमिनेट कर लो, ये एलिमिनेट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे वन और टू वाले भी तो एलिमिनेट हो ही गए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो गलत ही हो गया और ये भी गलत हो गया, तो तीन पांच छह होना चाहिए, तीन चेक कर लिए, पांच चेक कर लो, वियना सम्मेलन बिल्कुल 1985, ठीक है, और ये क्या 1987, और ये क्या देखते हैं किगाली 2018, तो ये प्रकार देखते हैं, तीन पांच छह इसका सही आंसर है, क्लियर हो गया। आप और दूसरे तरीके से भी लॉजिक लगा सकते हैं, बट ये जो है इन जनरली इस प्रकार का मिक्स प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किए गए थे, 1986, 1972, 1971, 1992। देखो ईयर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या है इसका आंसर, ठीक है, 1971 में ही रामसर सम्मेलन, आर्द्र भूमि जो बायोडायवर्सिटी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, एक कहना चाहिए वहां पे बायोडायवर्सिटी में जो प्रजातियों की संख्या है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था और 1975 से ये प्रभाव में आया था। और भारत में भी हम देखते हैं रामसर जो साइट्स है, रामसर स्थल जो है, उनकी जो है टोटल नंबर्स कितने हो चुके हैं, 42 हो चुके हैं, 42 हो चुके हैं, और लेटेस्ट एंट्री लद्दाख का जो वेटलैंड है उसका है, तो 42 हो गया है आज के डेट में, इसे याद रखिएगा, और प्रीवियस क्लास में हमने इसे देखा भी था। तो इसका सही आंसर क्या है, 1971, 1986 नहीं 1972 में तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ये बाकी ऑप्शंस गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, पेरिस एग्रीमेंट के मुख्य उद्देश्य देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के खतरे से क्या है, वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना, ग्रीन हाउस गैस को कम करना एवं वैश्विक तापमान वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम करना और तापमान वृद्धि को 1 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है ना। और लास्ट क्वेश्चन है उपरोक्त सभी, तो इसके हिसाब से कौन सा उत्तर होना चाहिए। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और इसमें क्या है, पेरिस एग्रीमेंट आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो करंट अफेयर्स वाले सेशन में इसे हम देखेंगे भी पढ़ेंगे भी। तो पेरिस एग्रीमेंट का ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से करेक्ट है, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना तापमान वृद्धि को और वर्तमान तापमान वृद्धि को 1 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना, ये इसका मुख्य जो है उद्देश्य है। आई होप ये पॉइंट भी आप क्लियर कर लिए होंगे। अब हम FTR का आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले सेशन में पर्यावरण का जो तीसरा महत्वपूर्ण लेक्चर आएगा या FTR आएगा, उसमें हम पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण कानून, महत्वपूर्ण आंदोलन, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं पर्यावरण प्रदूषण, चाहे वो आप एसी ड्रेन की बात करें, इन सभी से संबंधित एक महत्वपूर्ण FTR का सेशन आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।